WWE की एक रेसलर की हुई मौत, मरे इन द बैंक के अंदर अलेक्सा ब्लिस हुई रिप्लेस, और डीन के AEW में जाने को लेकर बड़े चांसेस, लेकिन कैसे जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप WHG। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत की जाए बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों अलेक्सा ब्लिस नहीं होने वाली है मनी इन द बैंक का पार्ट। तो आप जानते हैं कि अलेक्सा ब्लिस मनी इन द बैंक में लैडर मैच का पार्ट होने वाली थी, लेकिन बीते कल WWE ने कंफर्म किया अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वो अलेक्सा ब्लिस को लैडर मैच में पुट नहीं करने वाले हैं। यहां दोस्तों WWE ने तर्क ये दिया है कि अलेक्सा ब्लिस मेडिकली क्लियर नहीं हो पाई है इस मैच के लिए, और इसके चलते उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। उनकी रिप्लेसमेंट होंगी निकी क्रॉस, और इसी के चलते आपने पिछली रॉ के अंदर निकी क्रॉस और अलेक्सा ब्लिस वाला सेगमेंट देखा था, क्योंकि WWE जानता था कि आगे जाकर ऐसा कुछ हो सकता है। और गाइज यहां हो चुका है और अलेक्सा ब्लिस मनी इन द बैंक लैडर मैच में हो चुकी है रिप्लेस। लेकिन अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइज ये एक दुखद खबर है, दरअसल WWE के एक डीवा रेसलर मौत को पा चुकी है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, और इनका नाम कोई और नहीं, यह है एशली मसारो। एशली मसारो दोस्तों 2005 से लेकर 2008 तक एक एक्टिव डीवा रेसलर थी, लेकिन 2008 में उन्होंने WWE को छोड़ दिया था। आपको मैं बता दूं, वो 2005 में WWE के अंदर आई थी एक कॉम्पिटिशन को जीतकर, यानी कि डीवा सर्च को वो जीतकर आई थी WWE के अंदर। काफी स्ट्रगल उन्होंने किया था, लेकिन बीते कल उनकी 39 साल की उम्र में डेथ हो गई। काफी यंग वो चली गई दोस्तों। उनके मौत के ऊपर यानी कि उनकी डेथ के ऊपर अभी इतनी ज्यादा रिपोर्ट सामने नहीं आई है। यहाँ कोई भी इलीगल इशू नहीं है, यानी कि कोई भी ड्रग्स वर्क्स का इशू नहीं है। उनकी डेथ किसी न किसी अंग के फेलियर होने से मानी जा रही है, लेकिन दोस्तों वो तो समय बताएगा कि कैसे उनकी मौत हुई। लेकिन हम उनकी मौत पर यही कहना चाहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और होप करते हैं कि आगे जाकर हमें फिर से कोई ऐसी खबर सुनने को ना मिले। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है डीन एम्ब्रोस से। तो गाइस डीन एम्ब्रोस काफी ज्यादा रूमर्ड हो चुके हैं कि वो AEW में जाने वाले हैं, और इस खबर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीक से जो कि एक ऐसे रेसलर ने किया है जो कि फॉर्मर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहा है WWE के अंदर, और ये कोई और नहीं दोस्तों, यह है जैक स्वैगर। तो जैक स्वैगर का कहना ये रहा है कि डीन जा रहे हैं AEW के अंदर। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा, चलिए जान लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों जैक स्वैगर का इंटरव्यू हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि जैक स्वैगर दोस्तों बेलेटर में फाइट कर रहे हैं, और वहां दोस्तों उनके इंटरव्यू होते ही रहते हैं। तो ऐसे में इंटरव्यू में इस बार सवाल कुछ अलग सा था। सवाल ये था, क्या आप AEW के अंदर जा रहे हैं? ऐसे में दोस्तों जैक स्वैगर ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, और मैं जाना भी नहीं चाहता अभी के लिए, क्योंकि मैं अभी जाकर डीन एम्ब्रोस के डेब्यू को ओवरशैडो नहीं करना चाहता, यानी कि मैं अपने डेब्यू से उनके डेब्यू को दबाना नहीं चाहता, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उनका कहना यह रहा कि मुझे पूरी होप है कि वो AEW के अंदर दिखने वाले हैं। तो काफी बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों जैक स्वैगर ने, और जैक स्वैगर जो है वो AEW के कॉन्टैक्ट में काफी समय से हैं। टोनी खान के साथ उनके रिलेशन काफी अच्छे हैं, और गाइज पहले से आप जानते हैं कि डीन एम्ब्रोस काफी ज्यादा रूमर्ड है। जैसी दोस्तों उनकी वीडियोस आई थी, यानी कि जो उन्होंने ट्रेलर बनाया था अपने ऊपर, वैसे दोस्तों साफ पता चल रहा है कि वो किसी बड़ी कंपनी के अंदर ही जाएंगे, वरना दोस्तों इतने पैसे खर्च के कोई जॉन मॉक्सली के नाम पर ट्रेलर क्यों काटता। साथ ही साथ दोस्तों जो डीन एम्ब्रोस है वो अगर AEW के अंदर जाते हैं तो AEW का दोस्तों टिकट प्राइस भी जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो AEW है उनका पहले टिकट का प्राइस है 3500 रुपये। ये काफी बड़ी रकम होती है। हाँ शायद फॉरनर्स के लिए इतनी बड़ी रकम ना हो, लेकिन एक ऐसी कंपनी के लिए बड़ी रकम है जिसका पहला शो होने जा रहा है, और $50 का दोस्तों वहां टिकट है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों AEW वालों ने कई सरप्राइजेस प्लान किए हैं, और एक सरप्राइज ये हो सकता है कि जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस वहां हम एक सरप्राइज एंट्रेंस देते हुए नजर आए, लेकिन वो तो 25 मई को ही पता चल पाएगा। लेकिन आपका क्या कहना है, क्या डीन को AEW के अंदर दिखना चाहिए कि नहीं, आज के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूले। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही सी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूले, और अब आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी सी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।